नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। अगर आप सोलर पावर सिस्टम राजस्थान में लगाते हो, अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं, सोलर पावर सिस्टम लगाते हैं वहाँ पे, तो वो कितने यूनिट्स आपको बना के देगा, आपकी कितनी सेविंग होने वाली है और बेस्ट सोलर पैनल्स क्या हैं राजस्थान के क्लाइमेट के लिए, चलिए आइए समझते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है हमारे इंडिया की और इसका जो एरिया है अराउंड 3.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और ये लैंड लॉक है। लैंड लॉक का मतलब कि चारों तरफ से ये लैंड से घिरी हुई है। अगर मैं बात करूँ नॉर्थ में ये पंजाब से घिरी हुई है, नॉर्थ ईस्ट में हरियाणा और उत्तर प्रदेश आ जाते हैं, साउथ ईस्ट में मध्य प्रदेश आ जाता है, साउथ वेस्ट में गुजरात आ जाता है और अगर हम वेस्ट की बात करें तो पाकिस्तान का सिंध इसके साथ लगता है। तो एक तरह से इट्स लैंड लॉक कंट्री जो कि चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है और इसमें 50 डिस्ट्रिक्ट हैं। और जोधपुर में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगा है, बाटला सोलर पावर प्लांट जो कि जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसका जो कैपेसिटी है इट इज 2245 मेगावाट, इतनी इसकी कैपेसिटी है और लगभग ये 14,000 एकड़ में फैला हुआ है। तो इससे हमें ये तो पता लग जाता है कि सोलर का बहुत ज्यादा, सोलर पीवी टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है राजस्थान में। अब इसी पोटेंशियल को हम यूटिलाइज करते हैं और टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि ये किस तरीके से एक जो रेजिडेंट है राजस्थान का, वो कितने यूनिट्स उसके लिए सोलर पावर सिस्टम बना सकता है, कितनी सेविंग कर सकता है और बेस्ट सोलर पैनल्स उसके लिए क्या रहेंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो सनलाइट इंटेंसिटी है राजस्थान में वो कैसी है। जितनी अच्छी सनलाइट इंटेंसिटी होगी उतने बढ़िया से सोलर पैनल्स काम करेंगे, कम सोलर पैनल में भी आपकी जो एनर्जी नीड्स है वो पूरी हो जाएंगी। तो सनलाइट इंटेंसिटी इट इज जनरली मेजर्ड इन पीक्स एंड आवर्स, जो एवरेज पीक्स एंड आवर्स है राजस्थान में वो 6 के आसपास हैं, 6 पीक्स एंड आवर्स जो कि बहुत बढ़िया वैल्यू है। जितने ज़्यादा पीक्स एंड आवर्स उतने अच्छे से सोलर पैनल काम करेंगे, ज़्यादा सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब करेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे और आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बढ़िया से रन करेंगे, आपकी एनर्जी नीड्स पूरी होंगी। तो 6 पीक्स एंड आवर्स काफ़ी अच्छी वैल्यू है। अगर बात करें एक 5 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम की, 5 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम राजस्थान में कितने यूनिट्स बना के देगा। 5 किलोवाट को अगर मैं सीधा 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 30 यूनिट्स बनते हैं पर डे, लेकिन इसमें लॉसेस भी होते हैं, हर एक सिस्टम में लॉसेस होते हैं, इसी तरह सोलर पावर सिस्टम में भी लॉसेस होते हैं। अगर लॉसेस को कंपनसेट में कर दूं तो 22 से 25 यूनिट्स एक 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम राजस्थान में आराम से बना सकता है। और इस 22-25 को अगर मैं मंथली में 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो लगभग 650 से 750 यूनिट्स वो बना के दे सकता है। इसकी भी एवरेज कर लेते हैं तो लगभग हमें 700 यूनिट्स मिलने वाले हैं एक 5 किलोवाट के सोलर पावर सिस्टम से अगर वो राजस्थान में लगता है, आफ्टर कंपनसेटिंग ऑल द लॉसेज, जो भी लॉसेज होते हैं सोलर पावर सिस्टम में उसको कंपनसेट अगर मैं कर दूं तो लगभग 700 यूनिट्स पर मंथ एक 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम बनाता है। अब ये 700 यूनिट हमें कितनी सेविंग, जो राजस्थान के रेजिडेंट हैं उनको कितनी सेविंग करके देगा। देखिए एक 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम 700 यूनिट बना रहा है, यानी कि 700 यूनिट वो सेव कर रहा है, ग्रिड से नहीं ले रहे, सोलर पावर सिस्टम से वो रेजिडेंट ले रहा है। अब ये 700 यूनिट के हिसाब से अगर मैं एवरेज रेट लगाऊं ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी का राजस्थान में तो वो लगभग 7 रुपये पर यूनिट बन के आता है। अब इस 700 को 7 से मैंने गुणा कर दिया तो लगभग 4900 बन के आ गया। तो ये सेविंग हो गई हमारी, 4900 रुपये की सेविंग हो गई, 4500 से 5000 रुपये की सेविंग करके देगा एक 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम अगर उसे हम राजस्थान में लगाते हैं। अगर इसको ईयरली में कन्वर्ट कर दें तो ये 55 से 60 हज़ार रुपये हमें बना के देगा, सेव करके देगा। तो वी कैन ईजिली से दैट अ 5 किलोवाट ग्रिड टाइट सोलर पावर सिस्टम कैन सेव अप टू 55 to 60,000 पर ईयर। बहुत अच्छी सेविंग है सोलर पावर सिस्टम से अगर उसको राजस्थान में लगाया जाता है। अब आगे बात करते हैं 5 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम की कॉस्ट क्या होगी, कितने का ये पड़ेगा अगर कोई रेजिडेंट, कोई यूजर इसको लगवाता है। देखिए जो कॉस्ट है किसी भी सोलर पावर सिस्टम की, जो कॉस्ट है वो काफ़ी पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। कौन से पैरामीटर्स, की क्वालिटी क्या होगी सोलर पैनल्स की और जो बाकी कॉम्पोनेंट्स हैं जैसे इन्वर्टर लग गया और एक वायरिंग क्या है, प्रॉपर इंस्टॉलेशन कैसी है, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। अगर फ्लैट रूफ है, अच्छी रूफ है, मजबूत रूफ है तो उसमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट जनरली कम आती है, लेकिन अगर टेढ़ी रूफ है जहाँ पे शेड भी आ रहा है वहाँ पे इंस्टॉलेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। ट्रांसपोर्टेशन पे भी डिपेंड करती है, ज़्यादा दूर से अगर आपके इक्विपमेंट आ रहे हैं, सामान आ रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, टैक्सेस भी हैं। तो इन सब को अगर मैं
कंसीडर करो ऑन एन एवरेज एक 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम हमें लगभग 3 लाख रुपए के आसपास पड़ जाता है, 60 रुपए पर वॉट के आसपास पड़ गया। सो 5 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम, ग्रिड टाइप सोलर पावर सिस्टम कॉस्ट यू क्लोज टू 3 लाख रुपीज के पड़ेगा। अब हम इससे अपना पे बैक निकालेंगे कि अगर मैंने 3 लाख का एक सोलर पावर सिस्टम लगाया 5 किलोवाट का, तो वो मेरे को मेरा पैसा कितने साल में रिटर्न कर देगा। इसको बोलते हैं पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड क्या होता है? आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल सेविंग। तो मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई 3 लाख रुपए, मेरी जो सेविंग है अभी हमने निकाली एनुअल सेविंग 55 से 60 हज़ार है, तो हम 55 लोअर रेंज में एंड में आ जाते हैं 55 हज़ार। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 55 हज़ार जो कि लगभग हमारा निकल के आ जाता है 5.4 ईयर्स। तो 5-5.5 साल के बाद जो पैसा मैंने लगाया 3 लाख रुपए वो मेरा पे बैक हो जाएगा, और उसके बाद जो है मेरी सारी सेविंग स्टार्ट हो जाएगी। जो एक सोलर पावर सिस्टम की जो लाइफ होती है, सोलर पैनल्स बहुत ड्यूरेबल होते हैं, उनकी लाइफ 25 से 30 साल होती है, यानी कि 5 साल के बाद तो आपकी इन्वेस्टमेंट सारी कवर हो गई, आने वाले 20 और 25 साल आपको वो फ्री में एक तरह से बिजली बना के दे रहा है, तो आपकी सेविंग्स ही हैं। सो और ये मैंने जो बात की 3 लाख की जो कॉस्ट की बात की, दैट इज़ विदाउट सब्सिडी। सब्सिडी को अगर मैं कंसीडर करूँ राजस्थान में जो एक 5 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम, ग्रिड टाइप सोलर पावर सिस्टम के पीछे जो सब्सिडी है, दैट इज 69,900। अगर जो मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है 3 लाख रुपए, उसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूँ लगभग 70,000 मान लेते हैं, तो मेरी जो कॉस्ट आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आ जाएगी 2,30,000। 2,30,000 को मैं अपनी एनुअल सेविंग से डिवाइड कर देता हूँ, 55,000 से डिवाइड कर देता हूँ, तो पे बैक पीरियड और कम आ जाएगा, 4 साल के आसपास आ जाएगा पे बैक पीरियड। तो इससे हमारा पैसा और हमारी इन्वेस्टमेंट और जल्दी रिकवर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये पता लगाया कि एक 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम काफी, अगर उसे राजस्थान के रेजिडेंट उसको लगवाते हैं, काफी अच्छी सेविंग्स करके देगा, 55 से 60 हज़ार एनुअल सेविंग वो करके देगा, और पे बैक पीरियड 4-7.5 साल का है आफ्टर कंसिडरिंग द सब्सिडी अमाउंट ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये एक 5 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम की हमने बात की। अब ये बात करते हैं कौन से सोलर पैनल सबसे बढ़िया रहेंगे राजस्थान के क्लाइमेट के लिए। तो उससे पहले राजस्थान की क्लाइमेट को समझना पड़ेगा। हम सब जानते हैं राजस्थान में जो क्लाइमेट है गर्म है, डेजर्ट एरिया है, गर्म क्लाइमेट है, सूखा क्लाइमेट है, और दिन में जो गर्मियों में दिन में टेम्परेचर 40-45 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है, और सर्दियों में जो टेम्परेचर है, जो मर्क्यूरी है, प्लमेट्स टू 0 डिग्री के पास भी पहुंच जाता है। तो आप देख रहे हैं 45 डिग्री, 0 डिग्री, एक वाइड टेम्परेचर रेंज है। तो हमारे सोलर पैनल्स इतने इफेक्टिव, इतने ड्यूरेबल होने चाहिए जो इतनी वाइड टेम्परेचर रेंज में काम कर सकें। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताता हूँ, ये तो एम्बिएंट टेम्परेचर हो गया 45 डिग्री सेल्सियस। एम्बिएंट मतलब कि हमारे जो आसपास का वातावरण है उसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस हो गया, लेकिन जो सोलर सेल है उसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, उसका टेम्परेचर कहीं ज़्यादा होगा, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होगा, यानी कि 75-80 डिग्री सेल्सियस पे वो काम कर रहा होगा। अब ऐसा क्यों? आसपास का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, जो सोलर सेल्स हैं वो सोलर पैनल के अंदर होते हैं, सोलर पैनल के कवर में ग्लास होता है, जो सूरज की रोशनी है वो ग्लास से होती हुई सोलर सेल से टकराती है, सोलर सेल सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और बिजली बनाते हैं। लेकिन जब ग्लास के अंदर आती है सूरज की रोशनी, ग्लास की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो उस रोशनी को ट्रैप कर देता है, जिसकी वजह से जो सोलर सेल हैं और ज़्यादा हीट अप हो जाते हैं। आपने महसूस किया होगा जब आप कार में बैठे होते हैं गर्मियों के दिनों में और शीशे बंद हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, बिकॉज द ग्लास हैज़ द प्रॉपर्टी टू ट्रैप द सनलाइट, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। और वही चीज़ होती है इनके साथ, सोलर सेल्स के साथ, इनका जो टेम्परेचर है, हालांकि टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन ये जो सेल्स हैं दे आर ऑपरेटिंग एट मच हायर टेम्परेचर, 80 डिग्री सेल्सियस, 85 डिग्री सेल्सियस। तो हमें ऐसे सोलर पैनल्स देखने चाहिए राजस्थान के क्लाइमेट के लिए जिनका जो टेम्परेचर ऑपरेटिंग रेंज है वाइड हो, -40 डिग्री सेल्सियस से +85 डिग्री सेल्सियस वाइड टेम्परेचर रेंज के हमें सोलर पैनल्स देखने चाहिए। तो एक ये बात हो गई। दूसरी बात, जो सोलर पैनल्स का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर आप लोगे वो लो होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब ये टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर क्या होता है, मैं वीडियोस में काफ़ी बता भी चुका हूँ, यहाँ पे ही बताता हूँ आपको। देखिए, कोई भी सोलर पैनल है उसकी जो एफिशिएंसी, उसकी जो पावर आउटपुट है ना, वो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है उसकी पावर आउटपुट कम होती जाती है, डिटेरियरेट हो जाती है, ग्रेजुअल डिक्रीज होता है। जैसे सोलर सेल का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री ऊपर चला गया,
तो उसकी पावर आउटपुट भी कम होती चली जाएगी। 30 डिग्री सेल्सियस हो गया और कम हो जाएगी, 35 डिग्री सेल्सियस हो गया और कम हो जाएगी। तो एक एक डिग्री अगर बढ़ता रहेगा उसकी टेम्परेचर, वो जो पावर आउटपुट है वो कम होती जाती है। और कितनी पावर आउटपुट ये कम होगी या कितनी पावर ये लूज करेगा, ये हमें बताता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर जितना कम होगा सोलर पैनल उतनी कम पावर लूज करेगा टेम्परेचर राइज होने से। तो हमें ये देखना है, अगर आप राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान के यूजर हैं, रेजिडेंट हैं, उसके लिए अगर आपको सोलर पैनल देखना है तो आपको ये देखना होगा कि मेरे पास जो सोलर पैनल मैं लूँ उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर कम हो। जो एवरेज है वो टेम्परेचर सोलर पैनल की जो एवरेज है -0.4% पर डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये एक एवरेज है। एक डिग्री राइज होगा तो सोलर पैनल 0.4% लूज करेगा अपना पी मैक्स का। तो आपको ये देखना है कि जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर है वो 0.4 से कम हो, 0.3, 0.35 हो, तो वो इस क्लाइमेट के लिए, राजस्थान की क्लाइमेट के लिए बढ़िया रहेंगे। और तीसरी चीज, राजस्थान डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे डेजर्ट है, तो जब भी विंड चलेगी तो वो धूल जो डस्ट है, सैंड है, अपने साथ लेके उड़ेगी और यही डस्ट सेटल हो जाएगी सोलर पैनल की सरफेस पे, परत जम जाएगी, लेयर जम जाएगी। तो उससे क्या होगा, जो सोलर पैनल की जो परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो सनलाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, सोलर पैनल को अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं करने देंगे, जिसकी वजह से उसकी पावर आउटपुट पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमें ये देखना होगा कि जो सोलर पैनल्स आप लें वो हाईली एफिशिएंट हों, जैसे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स हैं, हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी है, मोनोपर्क सोलर सेल टेक्नोलॉजी है, टॉपकॉन सोलर सेल टेक्नोलॉजी है। तो ये सोलर पैनल्स आप देखें ताकि वो इस कंडीशन में भी, जब रेत जमी हो, सैंड जमी हो उस सोलर पैनल के ऊपर, तब भी वो अच्छे से काम कर सकें। और चौथी बात, इनकी जो वारंटी होनी चाहिए सोलर पैनल्स की, लॉन्ग होनी चाहिए, परफॉर्मेंस वारंटी और प्रोडक्ट वारंटी, जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतना बढ़िया रहेगा यूज़र के लिए, रेजिडेंट के लिए। तो ये चार कंडीशंस को आपको, एक पैरामीटर्स को देखना पड़ेगा कि अगर ये पैरामीटर्स सेटिस्फाई होते हैं तो इसका मतलब ये सोलर पैनल्स बढ़िया है, एक जो राजस्थान में जो रेजिडेंट है अगर वो सोलर पैनल, सोलर पावर सिस्टम लगाना चाहता है। तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं, यस, जो सोलर पीवी टेक्नोलॉजी है, सोलर पावर सिस्टम लगाना बहुत फायदेमंद रहेगा, प्रॉफिटेबल है, काफ़ी सेविंग आपको करके देगा, प्रोवाइडेड आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि बेस्ट सोलर पैनल्स क्या रहेंगे राजस्थान के क्लाइमेट के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अच्छा, मेरी वेबसाइट है solarvidyash.com, उसमें भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको पढ़िए। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे, दोबारा मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।